पहली बार मैं गोवा में आके अब अचार खा रही हूँ 4 दिनों में। पराठा भी? हाँ। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अरम्बोल बीच, ये सनसेट व्यू देखने। दूसरी नई लोकेशन पे जाना है, पहले यहाँ से बाहर निकले। जहाँ उठे वहाँ सर फूटा। So guys, very good morning to all of you. So welcome back again to Premium Vlogs, Goa Day 4. So हम पहुंच गए हैं दिन की शुरुआत करने, वो भी अगेन कोकोनट वाटर, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। स्टार्ट करो ना गोवा से, तो सबसे पहले कोकोनट से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, मनी शुरू आकर कोकोनट वाटर पीते हैं और फिर करते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आज अपनी फर्स्ट लोकेशन पारा रोड, जो कि देख के पता चल जाएगा कि ये रोड कौन सी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोड, बहुत अच्छा, कवर्ड विद कोकोनट ट्रीज और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो फेमस चीज है ना, रोड काफी पतली है, स्लिम है और काफी लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज है, तो उसी रोड की उसी ये मतलब इस जो आपके कोकोनट और ये रोड है, इसी वजह से ये फेमस है रोड। लोग यहाँ पर इतने लोग हैं ना यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए बहुत सारे, तो यहाँ पे हम भी खिंचवाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो हमारी ये वाली जो लोकेशन है पारा रोड, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी मॉर्निंग में आके मैंने और मनीष ने पिक्चर्स क्लिक करी अपनी, मैंने तो अभी हम दोनों मैं और मनीष अकेले ही आए थे आज, क्योंकि कल जो हमने करनी है ना। तो मनीष कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा है, शांत है और व्यू ऑसम है, तो मुझे तो आज बहुत मजा आया यहाँ पे। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी थी ना, तो वो दो कपल तो आउट हो चुके हैं, मतलब सो गए थे वो बेसिकली, अभी भी सो रहे थे और हमने कल ही रेस्ट कर लिया था, तो इस वजह से मॉर्निंग में उठ के 7 बजे उठ के हम लोग मैं और मनीष आ गए। और लेट्स सी, अब सेकंड लोकेशन के जाते हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। तो पहले उससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे पहले। हमारा ब्रेकफास्ट आलू का पराठा विद अचार और दही, और ये हमारे मन्नू सिंह विद दही एंड अचार। पहली बार मैं गोवा में आके अब अचार खा रही हूँ 4 दिनों में। और पराठा भी? हाँ। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट क्वेरिम केव, सॉरी क्वेरिम बीच, नॉट केव, बट केव भी है यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम है, देखते हैं क्या दिखता है हमें और दिखाते हैं आप लोग को कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मंदिर भी है ये ना, कुछ इस तरह से है यहाँ बीच का जो रास्ता है यहाँ पे। फिर मैं वन मोर मिरर, हम इंडियंस को कहीं पे भी मिरर दिखे तो चांस नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखो एक और, तो यहाँ पे कुछ
इस तरह से रेस्ट्रो टाइप है, रेस्ट्रो भी नहीं कह सकते। यहाँ पे ना सारे उससे बना रखे। ये हमारा फर्स्ट बीच ऐसा है जहाँ पे मतलब शांति जगह कहते हैं ना, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत मतलब लाइक इसे कह सकते हैं आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारा है और ना आपको ज़्यादा रश मिलेगा, आप प्यारी प्यारी फोटोज़ और वीडियोस कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी मनीष की फ़ोटो क्लिक करने जा रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो पहले आपको ना रॉक्स आएंगे, बड़े बड़े पत्थर आएंगे, चट्टान आएंगे, और उसके बाद ही ओ भयंकर यहाँ ऑक्सीजन आएगी नहीं आएगी, पता चले फंसे रह जाए। भयंकर अच्छा यहाँ इतना ठंडा हो रहा है ना, जैसे बाहर इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पे बहुत ही ठंडा हो रहा है ना। है देखो यहाँ पे बैठ जाओ है ना, उसके बाद देखोगे हम। गाइस एक केव वो थी जो अभी अभी पहले देखी, दूसरी केव ये रही, दोनों अगल बगल ही हैं ये। लेकिन बाहर से इसका कोई नहीं है। हाँ बाहर से ना इसका कोई गेट नहीं है। ये देखिए बंद है, हाँ बंद है बंद है। ये केव लम ज़्यादा गहरी तो नहीं है, आगे आगे बंद है केव। ये लोगों ने यहाँ पे ना खाया पिया है। खाया पिया नहीं है, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। समंदर से बॉटल वॉटल आती हैं, पानी भरता है और पानी अंदर जाता है तो वो वहीं छूट जाती हैं, पानी बाहर आ जाता है। तो ये दो केव हैं गाइस, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, शांत है। तो अब यहाँ से हम रिटर्न बैक, और अब हम देखते हैं कौन से दूसरी नई लोकेशन पर जाना है। पहले यहाँ से बाहर निकले, भयंकर जहाँ उठे वहाँ सर फूटा। लो सर बचा के, माइंड योर हेड। ये हम बाहर आ गए हैं, मतलब ये देखो कितने क्यूट गाय की बच्ची है। मैं जाना करती है। हेलो गोवा की गाय। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अरम्बोल बीच, ये सनसेट व्यू देखने, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो इस बैठे बैठे यहाँ पे एक दीदी आई हेयर ब्रीडिंग के लिए, तो प्रियंका को मन किया तो इसने हेयर ब्रीडिंग करवा दी, करवा रही है अभी। सो ये रही मेरी ब्रेड्स, मैंने बनवा ली है, अच्छी लग रही है, सिंग सी नहीं लग रही है? सिंग अच्छी लग रही है, पूरे बालों में कराओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस हमारा लास्ट स्पॉट है अरम्बोल बीच, जो कि हम यहाँ पे स्पेशली सनसेट देखने आए हैं मैं और प्रियंका, तो दिखाते हैं आपको। अभी तो वेट कर रहे हैं, अभी शाम का बज रहा है 6:30, लेकिन अभी तक सनसेट हुआ नहीं है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको अभी कितना सनसेट हो रखा है। ये रहा अभी सनसेट व्यू, तो बस सूरज के ढलने का वेट करते हैं और फिर चलते हैं अपने होटल की तरफ। सनसेट का वेट करते करते मैंने कहा टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो पहले मैं कुछ हर्ट बनाने का चक्कर में था कि इसको मैं थोड़ा डीप करूँगा और हर्ट शेप लेके आऊँगा, बट वो हर्ट कुछ इस तरह से दिखने लग गया तो मैं बोर हो गया और ज़्यादा, तो मैंने फिर यहीं पे बैठे बैठे अपने पैरों से गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया। तो अभी फ़िलहाल अभी ज़्यादा गहरा हुआ नहीं है, अभी और करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो आज सनसेट का व्यू कुछ इस तरीके से है, मतलब अच्छे से नहीं हुआ सनसेट, ये देखेगा ये मतलब क्या होता है, प्रॉपर सन का शेप रहता है और लगता है कि पानी में डूब चुका है सन, बट अभी क्या शायद वहाँ पे बादल लग गए हैं उसके आगे तो क्लियर नहीं आ रहा, बट फिर भी कैप्चर कर लिया हमने।
आरंबोल में सनसेट देखने के बाद हम लोग आरंबोल से गए अपने होटल रूम। होटल रूम हमारा करीबन एक घंटे की डिस्टेंस में था, तो हम लोग टाइम से पहुंचे अपने रूम, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट भी थी तो हमें टाइम से सोना था जिससे हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग पे फ्लाइट ना छूटे। तो हम लोग की मॉर्निंग 8 बजे की फ़्लाइट थी गोवा से दिल्ली की, तो हम टाइम से पहुँच गए थे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना नहीं हुई। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। तो अभी एयरपोर्ट में हैं हम और 8:10 का हमारा फ्लाइट है और यहाँ से हम दिल्ली पहुँचेंगे, देन दिल्ली से जाएंगे घर उत्तराखंड। और काफ़ी टैन हो चुका है फेस, देखिए जब आए थे तब कुछ अलग था और अभी है तो कुछ अलग ही है। तो एयरपोर्ट से कुछ खरीदने का सोचा और प्रियंका खरीदने जा रही है। क्या खरीद रहे हो? हमारी फ्लाइट आई जी एयरपोर्ट दिल्ली लैंड कर चुकी है। एयरपोर्ट से हमने फिर घर जाने के लिए टैक्सी बुक करी और डायरेक्ट हम टैक्सी बुक करके अपने घर उत्तराखंड पहुँचे। तो ये था हमारा गोवा का लास्ट व्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।